हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त हूं सुनील, एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूं। मैंने स्पेशली काफी सारी वीडियो क्रिएट करी हैं, जिनके थ्रू मैंने आपको इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करी है कि कहां पर आप अपने बजट के अकॉर्डिंग और किस्तों में प्लॉट खरीद सकते हैं और कौन सा प्लॉट आपको आने वाले टाइम में एक अच्छा रिटर्न देगा। यानी कि एग्जाम्पल के लिए, अगर आज आपने उसे 10 रुपए में खरीदा है तो वो 2-4-5 साल बाद आपको 100 रुपए, 50-70 रुपए तक, कहां तक आपको यानी कि एक अच्छा रिटर्न आपको प्रोवाइड करा सकता है। तो मैंने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन के आंसर भी लोगों को अपने वीडियो के थ्रू करे हैं। तो गाइस, मेरा नाम है सुनील, एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूं। अगर कोई भी आप में से फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आया है या फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को तुरंत ही लाइक कर लीजिएगा, इस तरीके का निशान है। क्योंकि मेरे चैनल पे आपको इन्फॉर्मेशन जो मिलती है प्रॉपर्टी से रिलेटेड, वो मिलती है सारी की सारी सटीक और सारी की सारी, वही मैं आपको प्रॉपर्टी की इंफॉर्मेशन देता हूं जिसे मैं खुद खरीद सकने की कोशिश कर सकता हूं या खरीद सकता हूं। यानी कि एग्जांपल के लिए कि कौन सी जमीन सही है और कौन सी जमीन गलत है आपके लिए, मैं सारी इंफॉर्मेशन वो आपको प्रोवाइड कराता हूं। तो गाइस, आप जमीन हर जगह खरीदते हैं। बेसिकली आपने देखा होगा कि आज की डेट में जो सबसे ज्यादा जो ग्रो हो रहा है वो हो रहा है आपका वृंदावन, गोवर्धन और बरसाना, ठीक है, या उसके आसपास का जितना भी एरिया है, जैसे आपका जेवर, टप्पल वगैरह हो गए, ठीक है। ऑलमोस्ट मैंने काफी सारी जगहों पे वीडियो क्रिएट करके आपको इन्फॉर्मेशन दी है। मैंने आपको जेवर में भी आपको बताया कि यहाँ पे आप प्लॉट खरीदिए, आपके लिए सेफ रहेगा। मैंने आपको बरसाना, गोवर्धन भी बताया आपको, एंड मैं अभी आपको कुछ समय से, आपने नोटिस किया होगा, मैं स्पेशली आपको वृंदावन के पास कि जो सोसाइटियां हैं मैं उनकी इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। स्पेशली अगर बात करूं तो ग्रीन सिटी 2 की दे रहा हूँ, ठीक है। प्रॉपर्टी हम हर जगह खरीद लेते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी खरीदने से पहले हमें कुछ चीजों पर ध्यान रखना चाहिए। वो क्या होता है मैन, कि हमारे लिए मैन जरूरी होता है कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी का मतलब यह है कि आसपास रोड कितनी दूर है, रेलवे स्टेशन कितनी दूर है, मार्केट, हॉस्पिटल, कॉलेजेस, जो कि आज की डेट में हर इंसान की नीड है, वो आपसे कितनी दूरी के डिस्टेंस पे है। 2-4-5 किलोमीटर का डिस्टेंस सही रहता है, उससे ज्यादा अगर आप जाते हैं तो वो ज्यादा प्रॉपर्टी बेकार हो जाती है। मैंने आपको गोवर्धन की साइड का बताया था, श्री राधा रानी टाउनशिप का, ठीक है, तो वहां भी अच्छी कनेक्टिविटी थी, बरसाना में भी अच्छी कनेक्टिविटी और दूसरी वो ब्रज नगरी है। अभी मैंने आपको ग्रीन सिटी के बारे में बताया, तो ग्रीन सिटी 2 की बात करेंगे तो स्पेशली मैंने इस पर काफी वीडियो बना चुका हूँ, स्पेशली 2-3 वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है। लास्ट वीडियो आप मेरी जाके देख सकते हैं तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन वहां पे मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो वीडियो जितनी भी डलेंगी, कहीं की भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड डलेंगी, सारी इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल सकेगी, ठीक है। बात कर रहे थे हम बरसाना की और आपका ग्रीन सिटी 2 की, तो बरसाना की भी कनेक्टिविटी अच्छी है जैसा मैंने आपको बताया, गोवर्धन की भी और वृंदावन की भी। अभी जो सोसाइटी है हमारे पास ग्रीन सिटी 2, इसमें लोगों के क्वेश्चन आ रहे थे कि यार NH2 से आपकी जो साइट है कितनी दूरी पर है। मैंने स्पेशली वीडियो के थ्रू काफी लोगों को बताया कि भाई 200 मीटर का डिस्टेंस नहीं है, अगर आप बाइक से या पैदल जाएंगे, बाइक से हार्डली आप 1-1.5 मिनट में पहुंचेंगे, पैदल हार्डली आप 3 मिनट आपको हार्डली लग सकता है, ठीक है। कनेक्टिविटी की बात करेंगे हम वहां पे, NH2 200 मीटर के डिस्टेंस पे है, वही रोड आपका सीधा गोवर्धन के लिए निकल जाता है, गोवर्धन के लिए काफी सारे रोड निकलते हैं, उनमें से एक आपका सोसाइटी के बाहर वाला रोड भी आपका सीधा गोवर्धन के लिए जा रहा है। फर्क सिर्फ इतना है वो गांव में से होके जाएगा, ठीक है। 30 फुट का रोड है, अप्रूवल है, पीछे से काम चलता हुआ आ रहा है, ये मैं आपको आगे वीडियो में भी दिखाऊंगा। और ऑलरेडी जिन भी लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, यह मेरा मोबाइल नंबर है 9310723137, इस नंबर को अगर आप सेव कर लेंगे तो आपको सारी के सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी, क्योंकि मैं हर चीज अपनी स्टेटस पे लगाता रहता हूँ। और कितनी दूर, अभी मैंने 2 दिन पहले बात करें तो पूरा का पूरा एरिया को रिकॉर्ड करा था कि NH2 से हार्डली कितनी देर का टाइम लगता है, तो टाइम लगा था वीडियो रिकॉर्डिंग के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं 2 मिनट से भी कम, यानी 1 मिनट 27 से 28 सेकंड के अराउंड टाइम लगा था, ठीक है। वो भी वीडियो मैंने थोड़ी दूर से शूट करी थी। बात कर लेते हैं दूसरी कि वहां से कनेक्टिविटी, वृंदावन आपका जस्ट सामने है आपका, ठीक है। अब मैक्सिमम लोगों की रिक्वायरमेंट यह आती है कि हमें दिला दो बांके बिहारी जी के मंदिर के आसपास या प्रेम मंदिर के आसपास, भाई मैं आपको वहां पे लैंड दिला दूंगा, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रेट जाते हैं बहुत ज्यादा है, किस्त भी अगर आप दोगे तो किस्त भी आपकी कम टाइम के लिए होती है, पैसा आपका ज्यादा जाता है, 25-30 हजार रुपए पर गज है, कहीं कहीं 1.5 लाख रुपए पर गज तक वहां पे लैंडिंग का रेट आज के डेट में चल रहा है। तो जितना भी डेवलपमेंट होता है शहर से हल्का सा बाहर होता है। मैक्सिमम मैंने देखा है स्पेशली
कि लोग 12-12, 13-13 किलोमीटर दूर है वहां से प्रेम मंदिर, गिरिराज मंदिर, लेकिन वो बोलते हैं कि 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। भाई मेरा ऐसा कोई काम नहीं है, मैंने जितनी भी वीडियो बनाई है उसमें आपको एग्जैक्ट बताया है कि NH2 से 200 मीटर के डिस्टेंस पे है। बात कर लेते हैं, अब एक और बात कर देता हूं, मैं भूल गया आपको बतानी कि सोसाइटी के आसपास का जो है एजुकेशन हब है, संस्कृति यूनिवर्सिटी के पीछे है, पूरा आसपास एजुकेशन हब है। छाता रेलवे स्टेशन 1 से 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। मार्केट भी सेम वहीं पर है आपकी, जो प्रॉपर मार्केट जिसे बोलते हैं, ठीक है। बात कर लेता हूं दूसरी, संस्कृत यूनिवर्सिटी पड़ गई आपकी, GL बजाज पड़ गई, GLA यूनिवर्सिटी पड़ गई, और आपका KD मेडिकल कॉलेज पड़ गया। ये सब आपका आसपास में हार्डली 2-3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। आपकी जो साइड है NH2 से 200 मीटर के डिस्टेंस पे, जब भी आप दिल्ली से, आगरा से, कहीं से भी आए, रात बिरात कभी भी आप वहां पे उतरते हैं, हार्डली आपको 200 मीटर का डिस्टेंस करना है, अपनी सोसाइटी के अंदर एंट्री कर जाने वाले हैं, ठीक है। रेट उसका है 7,000 रुपए पर गज, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया भी था, ठीक है। अभी नवरात्र ऑफर चल रहा है तो रजिस्ट्री आपकी फ्री कर दी जाएगी, अगर आप वन शॉट पेमेंट देते हैं या 30 दिन के अंदर पेमेंट अपनी देते हैं। 143 रजिस्टर्ड है, फिर दोबारा रिपीट करूंगा, पहले विजिट करो, लेना ना लेना बात की बात है, पहले विजिट करो, देन उसके बाद आप प्लान करो, क्योंकि हर जगह आपको जंगल दिखता है, और जंगल ही वृंदावन के आसपास का एरिया गोवर्धन बरसाना बिक रहा है। उस जंगल को ही लोग आने वाले टाइम में हाई फाई रेट पे बिकेंगे, ठीक है। वो कैसे बिकेंगे, जहां मेरी सोसाइटी है, मैं बात करूं ग्रीन सिटी 2 की, तो स्पेशली उसका आज के रेट में 7,000 रुपए रेट है, लेकिन आसपास के एरिया में अगर आप बात करेंगे 12-13 हजार रुपए पर गज से आपको लैंड कहीं पर नहीं मिलने वाली है, यानी जमीन आपको कहीं पर नहीं मिलने वाली है। अब रीजन क्या है, मेरी अपनी पर्सनल सोसाइटी है, मेरी अपनी पर्सनल लैंड है, तो मैं अपने कम मार्जिन पे भी आपको बेच सकता हूँ, ठीक है। दूसरी बात बात कर लेते हैं वहां पर कि आने वाले फ्यूचर क्या होगा, तो फ्यूचर आप ऑलरेडी NH2 से आप कंपेयर कर सकते हैं कि NH2 आज के रेट में कितना चौड़ा हो चुका है, आसपास पूरा डेवलप हो रहा है, आपका ग्रेटर नोएडा का जो एयरपोर्ट बन रहा है वो आपका 25 से 30 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, 10 से 12 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आपका गोवर्धन आ जाता है। वृंदावन की अगर बात करें तो वृंदावन हालांकि लगना तो बिल्कुल आपका रोड के सामने से ही स्टार्ट हो जाता है, लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा 5-7 किलोमीटर का आपका वृंदावन आ जाता है। सेमरी माता का मंदिर, जो भी लोग वहां से हैं, लोकल हैं, उन लोगों को पता होगा सेमरी माता का मंदिर कितना फेमस है वहां पे, तो बिल्कुल जस्ट सामने है 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पर। आज के डेट में अगर मैं बात करूं, नवरात्र चल रहे हैं तो वहां पे इतना जाम रहता है क्योंकि मंदिर बहुत फेमस है, ठीक है। तो काफी सारे लोग जो वहां पे भक्त हैं, बहुत ज्यादा भीड़ है वहां पे, ठीक है। आज के डेट में तो कुछ चीजें फेमस है, हर जगह पैसा नहीं देखा जाता और हर जगह जमीन नहीं देखी जाती, ठीक है। आप ले लोगे वहां पे वृंदावन के आसपास में, लेकिन मेन रीजन होता है कि आपका NH2 से कितनी दूरी पर है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मेरे पास कॉल करते हैं कि भाई मैं गुड़गांव में जॉब करता हूँ, तो मैं हफ्ते में आऊँ, तो मेरे को ऐसा हो कि NH2 से हार्डली मैं 200 या 300 या 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे, तो भाई 200 मीटर के डिस्टेंस पे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अभी तक नहीं करा है तो इन्फॉर्मेशन काफी सारी मिलने वाली है, और कुछ लोग हमारे यहाँ विजिट भी करके जाते हैं, तो मैं उनकी भी वीडियो धीरे धीरे क्रिएट करके आप लोगों को शेयर करने लग गया हूँ, ठीक है। तो आगे वो भी मैं ऐड कर दूंगा, तो उसे भी आप देख सकते हैं किन लोगों ने विजिट करी है, किन लोगों ने वहां पे खरीदा है, ठीक है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 143 है, RCC के रोड मिलेंगे 20 फुट 18 फुट के, कंपनी आपको नाली आपको यहाँ पे बना के देने वाली है, ठीक है। गेटेड सोसाइटी होगी, वन वन साइड से उसमें ऑलरेडी आपका गेटेड सॉरी वॉल लग चुका है, और आपको थोड़ा सा और लगना है, वो आपका जैसे जैसे आप लोग वहां पे बनाने स्टार्ट करेंगे तो करेंगे, बिजली आपको कंपनी देगी, पानी और सीवर या आपको खुद वहां पे अपने ही हैंड से लगाना होगा, इसके व्याप पे कंपनी आपसे कोई भी मेंटेनेंस या डेवलपमेंट चार्ज नहीं ले रही। तो वीडियो को आप पूरा देखिए, आगे तक वीडियो को देखिए, उसमें आपको मैं दिखाऊंगा कितनी दूर का डिस्टेंस है, प्लस कौन कौन लोगों ने वहां पे अभी तक प्लॉट वहां पे खरीद चुके हैं। तो आज की वीडियो में इतनी था, ध्यान रखें आप अपना अपनी फैमिली का। वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके वीडियो को तुरंत लाइक कर सकते हैं, लोगों को शेयर कर सकते हैं, वीडियो को सेव भी आप कर सकते हैं। दूसरी चीज बात कर लेते हैं कि इसकी रजिस्ट्री कहाँ होती है, मैन पॉइंट है, मैं भूल गया था, तो इसकी रजिस्ट्री होती है आपके छाता में, आपकी सोसाइटी से हार्डली 1.5 से 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे छाता है, तो वहां पे आप अपनी रजिस्ट्री करा सकते हैं। रजिस्ट्री में कितना खर्चा आता है कितना नहीं आता ये लोग क्वेश्चन पूछते हैं, तो वो डिपेंड करता है देखो सर्कल रेट पे प्लस आपका टाइम के अकॉर्डिंग कब आप रजिस्ट्री करते हो, क्योंकि हर दिन प्रॉपर्टी के रेट अप डाउन होते रहते हैं, डाउन तो नहीं कह रहे आप ही होते हैं, तो आज ही आए विजिट करें, इन्वेस्ट करें, बीच बीच में नंबर होंगे उन नंबरों पर आप कॉल भी कर सकते हैं, पूरी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी,
डिस्क्रिप्शन में नंबर पड़े हुए हैं, उन नंबरों पे भी कॉल करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, कॉल व्हाट्सएप दोनों कर सकते हैं, पूरी पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। रिपीट करूंगा, कॉल जब भी करते हैं तो हमेशा ये बताएं कौन और कहां से आप बात कर रहे हैं, तभी आपको पूरी सटीक इन्फॉर्मेशन मिल पाती है। आज के वीडियो में इतनी था, ध्यान रखें आप अपना अपनी फैमिली का। ओके बाय एंड टेक केयर। तो गाइस एक बार हम फिर आ चुके हैं अपनी ग्रीन सिटी 2 की तरफ। बारिश की वजह से थोड़ा सा भर गया है यहाँ पे हल्का सा पानी, क्योंकि बारिश आपको पता है 3 दिन में बहुत ज़्यादा हुई है, तो ये तो सूख जाएगा, ये तो बात की बात है। एक बार फिर हम आए हैं विजिट पे, ठीक है, और अपने एक भैया हैं हमारे, उनके साथ आए हैं यहाँ पे। ये सामने आप देख रहे होगे, ये संस्कृति यूनिवर्सिटी दिख रही है सामने, ये हाईवे चल रहा है। फिर दोबारा रिपीट कर देता हूँ, ये देखो हाईवे चलता हुआ आपको दिखाई भी दे रहा होगा, ठीक है। ये हाईवे, ये रेलवे लाइन है, और ये आपकी हो गई यहाँ पे साइड आपकी, ठीक है। और ये भैया आए यहाँ पे विजिट करने के लिए, तो भैया ने यहाँ पे एक प्लॉट बुक कराया है, ठीक है, बता देता हूँ कितने का कराया है। सर कितने का प्लॉट बुक कराया है आपने यहाँ पे, कितने गज का, मतलब 50 गज का। ये हमारे गुप्ता जी हैं, जो कि आप देखोगे ऑलरेडी यहाँ पे बिल कट रही है इनके, ठीक है। तो गाइज आप भी आइए, वेलकम है आपका, एंड यहाँ पे आके प्लॉट बुक कराओ, अपॉर्चुनिटी है। और अभी एक चीज और बता दूं, लिमिटेड प्लॉट यहाँ पे अभी अवेलेबल हैं। रोड देख रहे हो, आरसीसी के रोड हैं, आपको जल्दी से आरसीसी के रोड कहीं पे मिलेंगे भी नहीं, ठीक है, मिलेंगे कच्चे मिलेंगे। ये आरसीसी के रोड है, 143 में लैंड रजिस्टर्ड है। ये जो आप ऑलरेडी देख रहे हो यहाँ पे टोटली पिलर लग चुके हैं। लाइट के लिए आप बोलेंगे, आप मैक्सिमम लोगों की क्वेरी आती है कि लाइट कहाँ से लाओगे आप, तो लाइट के लिए आप देखिए, आप ऑलरेडी ये देख भी रहे होगे, ये पिलर लगे हुए हैं, ठीक है, ये पिलर लगे हुए हैं, इनके ऊपर लाइट जा रही है। तो यहीं से जैसे ही लोग बनाना स्टार्ट करेंगे, ट्रांसफार्मर से उन्हें लाइट कनेक्ट कर दी जाएगी, तो ये कोई बड़ी चीज नहीं है। तो दोस्तों एक बार जरूर आओ यहां पर, आगे इन्वेस्टमेंट करो, ब्रज नगरी है, सामने हाईवे चल रहा है, इससे बेस्ट अपॉर्चुनिटी कहीं नहीं मिलेगी। आसपास की अगर आप साइडों की बात करेंगे यहां पे, तो आपको 12,000 रुपए मिनिमम, 10,000 रुपए आपको पर गज मिलेगा ही मिलेगा। अब मैं क्यों दे रहा हूं आपको सस्ती, क्योंकि मेरी खुद की लैंड है, जब खुद की लैंड होगी तो आप अपने अकॉर्डिंग बजट सेट कर सकते हैं, आप कम मार्जिन पे भी अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, क्योंकि हमारा सपना घर हो आपका अपना, डेट्स इट, इसके अलावा कुछ नहीं है, ठीक है। बाकी ये आप इस पे मत जाना कि रोड ऐसा हो रहा है, ये गंदा हो रहा है, ये हो रहा है, ये तो देखो यहाँ पे अभी लोग हैं नहीं तो इसलिए हो रहा है, बाकी आपको सब कुछ क्लीन करा के दे दिया जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही था, ध्यान रखें आप अपना अपनी फैमिली का। और वीडियो चाहते हैं कि आपको और आसपास की साइडों की इंफॉर्मेशन सारी की सारी मिलती रहे, हमारी साइड पे कितना काम हुआ है, क्या रेट, क्या प्राइस है, क्या ऑफर चल रहा है, सॉरी, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर, वीडियो को लाइक।